सबसे बड़ी मछली जो है वो 2 दिन के अंदर जो सौदे हुए उनमें सबसे बड़ी मछली जो है वो हमने लिए, हमने फतेहपुर पे यहाँ पे आके जो माल देखने को मिला, ये शेखवान मंडी के अंदर से माल परचेस करके आज जो है वो अपने डेरे पे लिया है। ये 2 बछड़े जो है वो की इनके फार्म ने लिए, एक बछड़ा ये सामने खड़ा हुआ है सही है जी, और एक मेरा फेवरेट बछड़ा जो मैंने पसंद किया था वो ये बछड़ा खड़ा हुआ है। और इस ट्यूबवेल को लाजमी आप लोग भी इंजॉय किया करें, जिसको ले जाएं अभी इसका सौदा करते हैं, जैसे ही इंशाल्लाह डन होता है तो आपको अपडेट देंगे। अब एक मेरे बहुत फेवरेट बछड़ी खड़ी हुई है गुलाबी नाक की, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह के इनके फार्म को जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 दिन से इस वक्त जिला रहीम यार खान जहीर पीर में जो है वो हम लोग घूम रहे हैं, और विद के फार्म की हमारे साथ पूरी टीम है, और जिस तरीके से बाइकों पे हम लोग घूम रहे हैं तो आप लोग ये आइडिया लगा लें कि हम लोगों ने कितना माल खरीदा होगा। घर को भाई 2 दिन होगा हम लोगों को घूमते हुए, कितना माल अभी तक हम लोगों ने परचेस करा, जरा जल्दी से बता दो। 20 जानवर इस वक्त जो है वो हम लोगों ने परचेस कर लिए हैं जिला रहीम यार खान जाहिर पीर के गाँव में से, अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाके। अगर मैं नाम पूछूंगा अभी तक हम किस किस के घरों से माल खरीद चुके हैं, जरा जल्दी ये नाम बताऊंगा। जाम रफीक हो गया, और दूसरा अताउर रहमान हो गया, और तीसरा अच्छा भाई शफीक भाई के घर पे जो ना वो भी हम लोग आए हुए एक और बछिया देखने के लिए, और गुलाबी नाक की बछिया की जो ना वो एक मैसेज आया हुआ था, तो हमने जरा विजिट करा है जाहिर पीर के अंदर, और अभी हमारे साथ जो ना वो जाहिर पीर के जाम रफीक भाई भी मौजूद हैं जिनसे हम लोगों ने माल खरीदा, और भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ साथ जो ना वो हमें फुल प्रोटोकॉल के साथ घुमा रहे हैं। ले जाए इसको ले जाएँ, अभी इसका सौदा करते हैं, जैसे इंशाल्लाह डन होता है तो आपको अपडेट देंगे। अभी मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा माल अभी खरीदा है। भाई दोबारा आप जा रहे हैं जाम रफीक भाई के घर की तरफ, लेकिन जरको भाई तीसरा घर का तुमने नाम तो बताया नहीं। मंडी से लिए थे ना? हाँ मंडी से लिए थे, शेखवान मंडी से भी जो ना वो कुछ माल लिया था, बस अभी जो माल लिया है वो आपको दिखा रहे हैं। और एक गाड़ी की जो पूरी माशाल्लाह से लोडिंग मैंने कवर करी है उसकी कुछ वीडियोस में अटैच कर दूंगा, वरना तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से एडिट करके जो है वो आपको दे दूंगा। जाहिर पीर का माहौल देखें यहाँ पर, किस लेवल के माहौल पे जो है वो बाइक पे हम लोग घूम रहे हैं। अभी चलते हैं जाम रफीक भाई के घर पे और आपको वहाँ पे 5 माल दिखा दें जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खरीदा है। अच्छा भाई शफीक भाई के घर पर आ गए, शफीक भाई सामने मौजूद हैं। सबसे पहले तो शफीक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत हैं? सौदा सही हुआ, नुकसान तो देखे नहीं जा रहा कराची वाले? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये 2 बछड़े जिन्हें वो किए इनके फार्म ने लिए, एक बछड़ा ये सामने खड़ा हुआ है सही है जी, और एक मेरा फेवरेट बछड़ा जो मैंने पसंद किया था वो ये बछड़ा खड़ा हुआ है। दोनों एक खीरा है और एक जो ना वो एक दांत कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे जो ना वो आप लोगों को नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें भी रोजी करनी है। अभी जाम रफीक भाई के घर के पास चलते हैं और वहाँ पर तीन माल खड़ा हुआ है ना, वहाँ 3 माल खड़ा हुआ है, वहाँ चलते हैं और इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। अच्छा भाई जरगू भाई के साथ जो ना वो अभी हम जा रहे हैं जाम रफीक भाई के घर पे, और यहाँ पे जो ना वो एक बछड़ा लिए, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बछड़ी जो ना वो 2 दिन के अंदर जो सौदे हुए उनमें सबसे बड़ी बछड़ा जो ना वो हमने लिए, हमने से मुराद के एन के फार्म का इस पर लोगो भी लगा हुआ है, और ये जाम रफीक भाई के घर की बछड़ी है। और अगर इस लेवल का माल और भी अगर आप लोगों को चाहिए देखने वालों को, जाम रफीक भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। नंबर दो अपना नंबर 0304-7251-584-584। जाम रफीक भाई के घर के ये नुमाइंदे का नंबर है, इनके पास गायें बच्चे भी अवेलेबल होते हैं और ऐसी बछड़ियाँ भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपको इस लेवल की बछड़ियाँ चाहिए तो लाजमी कॉन्टेक्ट करिएगा। 2 माल रहता है अभी, दो माल वहाँ सामने। इनका एक डॉक्टर, इनका बेटा डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी है। क्या नाम है? शहजाद, मतलब जाहिर पीर का डॉक्टर है। क्या नाम है? शहजाद, डॉक्टर शहजाद। कौन सी डिग्री विग्री हासिल है? नहीं है डिग्री है। चलो भाई माशाल्लाह डॉक्टर, ये आप बन रहे हो डॉक्टर, डॉक्टर बन रहे हो। तो भाई जाहिर पीर के अगर लोग देख रहे हैं या जिला रहीम यार खान के लोग देख रहे हैं तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने लिया हुआ इसीलिए कि वेटनरी के हवाले से अगर कोई भी किसी हवाले से रब्ता कर सकता है तो वो जरूर रब्ता करे, और इलाज वगैरह करवाना हो अल्लाह पाक खैर करेंगे। सामने वाले घर में चलते हैं, वहाँ का दरवाजा खुल गया। जरगो भाई अभी और कितना माल लेना है ये बताओ, गाय बच्चे कब दिलवाओगे? देखते हैं भाई। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जरगो भाई को कोई आप हल्का आदमी मत लेना, इनके घर से ओवरऑल 10 माल लिया है, एक घर से 10 माल लिया है। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा इनके घर के, अलग सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा अभी वहाँ पे, अभी गाय बच्चे आपको दिखाऊंगा इस लेवल के। इस घर से जो ना वो 2 माल के करीब जो ना वो लिया था, 2 बछड़ियाँ, एक मेरे बहुत फेवरेट बछड़ी खड़ी हुई है गुलाबी नाक की, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह की इनके फार्म को जा रही है बिक के, प्योर गुलाबी है, अच्छे नाफे, अच्छे तरीके से। एक और बछड़ी है, एक उधर है भाई। चलो भाई चलो उधर चलते हैं, वहाँ का गेट खुला हुआ है, वहाँ का। चलो भाई यहाँ चलते हैं, कोई है तो नहीं अंदर? भाई है। ऐसे घरों में घूम घूम के जो ना वो माल देते उसका लेवल ही कुछ और है माशाल्लाह से। ऐसे डेरों में आके सोना, रातों में यहाँ की रातें एंजॉय करना, ये बछड़ी एक लिए भाई के इनके फार्म ने, ये इंशाल्लाह आज ही जो है वो कराची जाएगी।
लोड होके ये टोटल ओवरऑल 5 माल दिखाया, अभी एक का सौदा चल रहा है, जैसे इसका सौदा होगा तो वो भी कवर करेंगे। अभी आगे चलते हैं और आपको मजीद अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, जाहिरपीर से जो ना वो ट्रैवल करके पूरे फतेहपुर आए और फतेहपुर पे यहाँ पे आगे जो माल देखने को मिला, ये शेखवान मंडी के अंदर से माल परचेस करके आज जो है वो अपने डेरे पे लिया है। ये जिधर आए हैं, इसका नाम क्या बंदे का, जिसके घर पे आए हैं? नहीं नहीं, जिस बंदे के घर पे आए हैं, नाम ही पता। इम्तियाज भाई के घर पे आए हैं माल के, माशाल्लाह यहाँ पे गायें भी खड़ी हुई हैं और इनके बच्चे भी हैं। ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर भी इन्होंने काम किया है और अंदर भी कोई अच्छे बछड़े खड़े हैं और वहाँ भी कुछ माल खड़ा हुआ है। अगर यहाँ सौदा होता तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और इसी बात पे अब जिन्हें वो कि इनके फार्म का ब्लॉग के एंड का टाइम आ गया है। फतेहपुर कमाल थक गए सुबह से निकले हुए, अब दो ब्लॉग मुझे और करने हैं आज ही के दिन, कल इंशाल्लाह रवानगी करेंगे। ये एक बछड़े यहाँ पे भी खड़े हुए कुछ, और एक बछड़ा जो है वो ये खड़ा हुआ है, देखते हैं लेट्स सी, यहाँ अगर सौदा होता है तो ठीक है, वरना फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। अच्छा जी, ब्लॉग को एंड करेंगे इसी अपने पन के साथ के वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिएगा, यूट्यूब पे जाके लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा और इस ट्यूबवेल को लाजमी आप लोग भी इंजॉय किया करें जब भी ऐसी जगहों पर आएँ, क्योंकि हम तो देखें कर रहे हैं और हम आते भी ज़्यादातर ऐसे नहीं हैं। और इंशाल्लाह केएन के फार्म की अगर कोई और न्यू अपडेट होगी तो आपको लाजमी देंगे। याद रहे, एक गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पहुँच चुकी है जो कि हमने कल रवाना की थी, और दूसरी गाड़ी तैयारी पर है अल्लाह के फजल करम से, कुछ ज़रा एक दो गाय बच्चे और ले लें फिर उसके बाद गाड़ी वो तैयार करवा के सीधा कराची के लिए निकलेगी और हम हो सकता है इंशाल्लाह अब जाहिर पीर के लिए जाएंगे। अब इसमें फतेहपुर मौजूद के वीडियो को एंड करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।